दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ग्रहों के बारे में और कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा लकी मानी जाती हैं। काफी लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं कि कुंडली के दोष को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो सभी की कुंडली में दोष होते हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी ज्यादा लकी होती हैं कि उनके असर भी बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होते हैं। हिंदू धर्म में पंचदेव बताए गए हैं, जो हर शुभ कार्य से पहले उनका नाम लिया जाता है, जैसे कि गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माँ दुर्गा और सूर्यदेव। यह पंचदेव होते हैं जो हर शुभ कार्य शुरू करने से पहले इनका नाम लेना बहुत ही जरूरी है, तभी वह सफल हो पाता है। इसीलिए किसी भी तरह का ग्रह दोष होता है तो वह सूर्य देव को जल देने से दूर होने लगता है। काफी लोग इस बात को भी जानते होंगे कि घर में सात घोड़े की तस्वीर लगाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन किस प्रकार, कौन सी दिशा में और कैसी तस्वीर आपको लगानी चाहिए, इस बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में सात घोड़े की तस्वीर को बहुत ही ज्यादा शुभ और लकी माना जाता है, और अगर जिस भी घर में वास्तु दोष होता है तो आप इन तस्वीरों को लगाकर भी अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। वास्तु दोष जब भी घर में होता है तो उससे नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, इसीलिए वास्तु पर ध्यान दिया जाता है, जिससे नेगेटिव वाइब्रेशन घर में ना बन सके और हमेशा ही घर का माहौल या आपके व्यापार स्थल का माहौल पॉजिटिव बना रहे। ज्योतिष में तो सूर्य ग्रह को सभी ग्रह का राजा माना जाता है और यह मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, उसको कोई भी हेल्थ रिलेटेड परेशानियां नहीं होती हैं। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सभी लोग उसका मान सम्मान करते हैं और उसकी बातें भी मानते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रह का होना बहुत ही जरूरी है आपकी कुंडली में मजबूत होना, क्योंकि यही वो ग्रह है जो आपको हेल्थ के साथ वेल्थ भी देता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने घर में सात घोड़े वाली तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष तो दूर होते ही हैं, इसके साथ ही यह लकी होता है बहुत ही ज्यादा, और इससे आपके आसपास की एनर्जी भी पॉजिटिव बनी रहती है, क्योंकि सात घोड़े विजेता का, सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ आपको सात घोड़ों की तस्वीर नहीं लगानी है, आपको तस्वीर उस प्रकार की लगानी है जिसमें सात घोड़ों पर रथ पर सवार सूर्य देव होते हैं, वही तस्वीर लकी मानी जाती है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ सात घोड़े पता होते हैं, तो वह कैसी भी सात घोड़े की तस्वीर अपने घर पर या व्यापार स्थल पर लगा देते हैं, लेकिन उसके कोई भी प्रभाव आपके घर पर या व्यापार स्थल पर नहीं पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि तस्वीर इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें सात घोड़े होने चाहिए रथ वाले और उस पर सूर्य देव होने चाहिए, और यह तस्वीर आपको सिर्फ पूर्व दिशा में ही लगानी है। यह तस्वीर आपको सिर्फ अपने घर के हॉल में ही लगानी है, बेडरूम में नहीं लगानी है, दुकान में, मकान में, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, सिर्फ जहां पर आप सोते हैं वहां पर इस तस्वीर को नहीं लगाना है। इससे आप खुद ही बदलाव को देखने लगेंगे, आपके आसपास की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगी, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपके घर में पॉजिटिव माहौल को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं, बहुत ज्यादा लकी होती हैं, तो यह उन्हीं तस्वीरों में से एक है जो आपके लक को कई गुना बढ़ा देती है। यह तस्वीर सफलता का और विजेता का प्रतीक है, इससे आपकी जिंदगी में मान सम्मान बढ़ता है और सूर्य ग्रह के दोष भी कम होते हैं। अब दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, किसी न किसी वजह से दवाइयां गोलियां खाते रहते हैं, उनको करना है कि सबसे पहले तो उनको पूर्व दिशा की ओर सिर करकर सोना चाहिए और अपने सिर के ऊपर इसी तरह की तस्वीर उनको लगानी चाहिए। इससे बहुत जल्दी ही उनकी हेल्थ में सुधार हो जाता है और बीमारियां भी दूर रहने लगती हैं। या फिर जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे हैं, किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, वह भी इस तरह से कर सकते हैं। उनको भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए और उस दिशा में इसी प्रकार की तस्वीर को लगाना चाहिए। इससे काफी ज्यादा सफलता के योग बनते हैं और यह आपके लिए लक्के चाम का काम करती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको तो जरूर ही इस तरह की तस्वीर को अपने स्टडी रूम में लगाना चाहिए, या जिन लोगों के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उनके रूम में भी इसी तरह की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। इससे वह गलत आदतों से दूर होकर सफलताओं की ओर बढ़ने लगते हैं। यही इस तस्वीर का महत्व होता है, क्योंकि तस्वीर भी आपके जिंदगी में कई तरह के बदलाव को लाती हैं।
इसीलिए कहा भी जाता है कि हिंसक जानवरों की तस्वीर कभी भी आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस भी तरह के जानवर की तस्वीर आप लगाते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होने लगता है, आपका मूड वैसा ही होने लगता है और उसी तरह की घटनाएं भी आपकी जिंदगी में होने लगती हैं। तो इसीलिए तस्वीरों का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है जो आपकी जिंदगी पर असर डालने वाली होती है। तो इस तरह की तस्वीर अपने घर में आप जरूर लगाएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।